हाय गाइस, आप देख रहे हो चैनल टेक वर्ल्ड विद आशीष। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी 7 के बारे में, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ रियलमी 7 का 3 मंथ्स का रिव्यू। और ये मेरे फ्रेंड का है, तो मैं उसका जो पर्सपेक्टिव है, मैं उसको मतलब उसके पर्सपेक्टिव से मैं बोलने वाला हूँ कि इसको कि कोई क्या चीज़ें अच्छी इसमें लगी और क्या चीज़ें इसमें बुरी लगी। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी और कुछ चीज़ें बुरी भी। तो इसको मेरे फ्रेंड को ये लेते हुए 3 मंथ जो है हो चुके कंप्लीट, और इसका जो है फुल रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ 3 मंथ्स के बाद, कि आपको अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है। तो पहले चलिए कर लेते हैं कैमरा रिव्यू। तो इसमें आपको कैमरा मिल जाता है 64+8+2 और +2 का, जो कि दो कैमरा चिपका दिया, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा पंच होल विद डिस्प्ले। ठीक है, इसका ओवरव्यू कुछ ऐसा है कैमरे का, और वाइड एंगल भी इसका काफ़ी अच्छा। मैं आपको कुछ इधर फोटोज़ के जो है बता रहा हूँ सैम्पल्स के, आप जज कर सकते हो। देखो पोर्ट्रेट है जो कि ठीक है, सैचुरेशन ये नॉर्मल है, और ये इंडोर में जो है मैंने ऐसे ही खींचा था नॉर्मली। और इसके बाद जो है वाइड एंगल आपको मिलेगा, देखो वाइड एंगल ठीक है, सैचुरेशन भी ठीक है इंडोर में, और ये जो है एकदम मैक्स 10x जूम में, तो ये एकदम धुत्ती फोटो है, क्योंकि ऐसे ही आती है इंडोर में। सेल्फी है, सेल्फी को जज मत करो, मैंने गड़बड़ में खींच ली कैसे भी। तो आप चलते हैं गेमिंग रिव्यू पे, जो कि मेरा फ्रेंड करेगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे से ज़्यादा अच्छा जो है आपको समझा सकता है मेरा फ्रेंड। तो चलिए सुनते हैं आप। तो वैसे देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये वेरिएंट है 664, और मतलब इसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी है, थोड़े बहुत नए भी है। तो देखो, सबसे पहले मैं बताना रहा लॉक के बारे में। ये तो ये टच ऑन लॉक, ये लगाया और ये खुल गया। मतलब टच इसका एकदम बहुत सही है, ओपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, इसके साथ तो होंगी नहीं वैसे। और इसका फेस अनलॉक भी देख सकते हो, ये जैसे ही जिसको ये करें वैसे भी खुल जाता। और इसका एक सबसे मेन प्रॉब्लम है, इसमें बग्स बहुत है, बहुत 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 सारे बग्स है इसके अंदर। और सबसे मेन इशू है इसका टच इशू। कभी कभी इसका टच इशू हर इतनी जगह पे आता है, मतलब हर ऐप के अंदर आएगा, कभी किसी चीज़ के अंदर आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका टच इशू है। और कहीं कहीं पर बहुत जगहों पर कॉलिंग का प्रॉब्लम आता है, और बहुत मतलब इशूज़ बहुत है। पर फ़ोन मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है, डे टू डे लाइफ के लिए आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, गेमिंग करना है। हालांकि मैं देखो एक गेमर भी है मेरा, मतलब मैं तो आशीष है नहीं, मैं पहला हुआ है असल में, मेरा है दूसरा चैनल। तो देखो मैं दे रहा हूँ इसका रिव्यू। तो ऐसा है कि मतलब मैं इसमें इसी में गेम खेलता और इसी में सब रिकॉर्ड विकॉर्ड करता, सब इसी से करता मैं। तो मैं हाँ, मेरे को गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और आती तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए, और बहुत जगह कम जगह के लिए आती। मतलब हर 4-5 मैच के बाद एक छोटा सा लैग होता, वो भी रिकॉर्ड करते हुए। और मैं इसमें रिकॉर्ड करते हुए ज़्यादातर खेलता, लाइव स्ट्रीम से इस पर करता मैं, मतलब करता था। तो जैसा भी है, बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए, तो मैं बोलूँगा रिकमेंड भी कर सकता आप। अगर सिर्फ 40 FPS से टच होता, मतलब 60 FPS हो जाती नहीं, अभी अलग ही प्रॉब्लम इनका, ये लोग 60 FPS देते नहीं तो आप कुछ बोल नहीं सकते इसके लिए। तो जो भी है, 40 FPS भी मतलब इतना स्मूथ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं इसके अंदर खेलने में, ज़्यादा हीट भी नहीं होता। अगर कभी फ़ैन भी चालू रहा तो उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा ये। तो देखो गाइस, तो मैं आपको पबजी का भी बता देता हूँ, और वैसे मैं रिकॉर्ड करके मतलब रिकॉर्ड करते हुए खेलूँगा। तो 1 सेकंड में पहले रिकॉर्डिंग की जो ये है सब सब हाई कर लेता सबसे पहले। कैसे मैं 720p भी रिकॉर्ड करता, मेरे पास वाईफाई नहीं है तो मेरे को थोड़ा बहुत मैनेज करके करना पड़ेगा। स्क्रीन नहीं, ये नहीं, ये और अरे हाई, तो एकदम हाई कर दिया मैंने इसको, और अब मैं करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाँ, इसका ये भी अच्छा है कि इसका रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बहुत देर तक भी अगर बैकग्राउंड में अगर ऐप चलता रहा तो क्लोज़ नहीं होता जल्दी। पर हाँ, कभी कभी होता कि वो क्लोज़ भी हो जाता, मतलब क्या कोई क्या ही ग्लिच है कुछ समझ में आता नहीं। कभी कभी बहुत जल्दी भी चले जाता है, एक बार के लिए भी सब बैक हो तो हो जाता, पर जा मतलब ये बहुत कम ही देर के लिए होता है ऐसा ये सब। तो देखोगे जब ये मैंने चालू कर दिया, तो मैंने देखो ये भी बोलना भूल गया कि मैंने फ़ोन लिया कितने में था। तो मैंने फ़ोन लिया था, देखो मैंने ऑफलाइन से लिया था, क्योंकि मैं जब फ़ोन लॉन्च हुआ के उससे 1-2 दिन ही बाद लेने गया था मैं, तो मेरे को मिला नहीं। तो मैं कुछ दिन और रुका, तो उन्होंने बोले थे मैं ला के तो दूंगा पर थोड़ा ऊपर देना पड़ेगा। तो मैंने देखो दिया था 15.5 पकड़ के चल लो, क्योंकि उतना ही था मेरा, मतलब आसपास उसके आसपास दिया था मैंने। तो अभी ये चालू हो गया, तो मैं एक TDM गेम का इनप्ले लगा था, और ये एक अलग प्रॉब्लम है कि कभी भी इसमें तो देखो मैं आपको मतलब अभी सबसे पहले रिकॉर्डिंग चालू कर देता इधर। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा मतलब कभी कभी गेम जल्दी चालू होता नहीं, और टच इशू तो मतलब इतना ज़्यादा आता है। देखो मैं आपको सेटिंग्स भी दिखा देता, मेन चीज़ ये बंद करो। ये देखो स्मूथ अल्ट्रा मिलेगा, बैलेंस भी अल्ट्रा ही मिलेगा, पर HD में हाई मिलेगा, और HDR तो भूल ही जाओ कि हो सकता। तो यही था अभी तक के लिए, तो मैं अभी आपको इसमें मतलब ऐसा खेल के दिखा देता।
और इसका जायरोस्कोप आप मतलब खेलते हो, आप इसको खुद अंदाजा देख सकते हो कि कैसा चलता है। और मतलब इसमें टच इशू तो बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे को, उसके तो एक सबसे ज़्यादा कंप्लेन है। आप देख सकते हो कि ये पहले मेरा कचरा हो गया, मैं पहले ही मर गया। अब मेरे को गेम प्ले में जज मत करना, क्योंकि मैं मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था खेलने में, तो मेरे को माफ़ कर देना गाइस। मैं जैसा भी खेल रहा, बस जैसा खेल रहा मतलब हाथ बैठ रहा नहीं बराबर से, ऐसे ऐसे पोजिशन में है मैं, तो ज़रा मुश्किल हो रही है मेरे को। अब जैसा भी है जज मत करना, जैसा चलना है चलने दो। भाई आज तो मतलब किस्मत ही ख़राब है, मेरे को शॉट ही मारना जम रहा नहीं, बस बहुत गलत पोजीशन में मेरे को, जिसमें बैठना मतलब खेलने ऐसा नहीं जम रहा मेरे को, इतने ऐसा पोजीशन में बैठा लेना। पर इसमें मैं डिफरेंस दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं हूँ पायरो प्लेयर। मतलब जायरो तो देख ही सकते हो एकदम ही स्मूथ सा जायरो है, और वैसे भी जब से इसका 400 सेंसी का जायरो है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं आया। देखो ये एकदम ही एकदम खतरनाक सा जायरो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जायरो के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आती। और पता नहीं मैं क्या ही करके खेल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, गेमिंग में कभी मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं। और वैसे भी 1080p 60fps रिकॉर्डिंग चालू है, तो देख सकते हैं जैसे कि लैग तो मेरे को फील नहीं होता, कभी भी फील होता। अगर हाँ, अगर आप 60fps के पहले से प्लेयर हो तो वो अलग बात है कि आपको लैग होगा, लगेगा मतलब, बट आप हो गए तो क्यों लोगे 60fps के प्लेयर जो भी है। तो मैं अपना ओवरऑल रिव्यू दूंगा तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत ही सही है। मेरे को मतलब मैंने सीधा 25fps से डायरेक्ट स्विच करा था 40fps पे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई थी वो कि मैंने डायरेक्ट इतना बड़ा जंप मारा बोल के। तो जो भी है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप जैसा भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि गेम भी चालू ही है, अगर आपको लगता है तो आप ले भी सकते हो। मेरा तो इतना ही रिव्यू रहेगा इसके बारे में। ओवरऑल अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ तो आप ये फ़ोन ले सकते हो, पर एक चीज़ जो मेरी फ्रेंड हमेशा बोलते रहता है कि इसमें टच इशू आते ही हैं और ये फिक्स नहीं होते, कभी पता नहीं, क्योंकि इसमें टच इशू बहुत है, इसके सॉफ्टवेयर में इशू है, हो सकता है होपफुली रियलमी वाई 2 के बाद इसमें कुछ सॉल्व हो जाए। और इसमें डिस्प्ले भी आपको ठीक ही मिल जाता है, IPS है, पर 90Hz का जो है आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, पर पबजी में आपको 40fps ही कैप्ड मिलता है। और इसमें प्रोसेसर भी अच्छा है, आपको सब स्पेक्स आप इसे जानते ही होंगे, 3 महीने हो चुके फ़ोन को लॉन्च होते हैं। मैं बस इसका आपको ओवरऑल जो है, मैं आपको 3 महीने का जो रिव्यू देने वाला था, तो मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से ये जो है फ़ोन ठीक है। अगर आपको 15,000 के अंदर चाहिए गेमिंग के लिए, मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि गेमिंग मेरा फ्रेंड भी जो यूट्यूबर है तो वो उसको अच्छे से जानता है सब। तो बस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में।